नमस्ते दोस्तों, फिजिक्स पुरोहित चैनल में आप सबका स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक फिजिक्स पुरोहित चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द ही फिजिक्स पुरोहित चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल की नए वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर स्टेट बोर्ड बुक्स इन केमिस्ट्री, दैट इज सॉलिड स्टेट। ओके, वी आर गोइंग टू कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि नेसेसरी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टेट बोर्ड रिलेटेड एग्जाम्स विच आर अबाउट टू कम इन लेस देन अ मंथ नाउ। ओके, सो होप सो यू ऑल आर प्रिपेयर्ड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, फर्स्ट ऑफ विच इज एनाइसोट्रॉपी। ओके, जस्ट रिकॉल कीजिए एनाइसोट्रॉपी, ये टर्म आपने कहाँ पर सुना है? आपकी प्रिपरेशन हो चुकी होगी, सो यू माइट बी एबल टू रिकॉल। जी हाँ, ये टर्म जो है आपने सुना है इन प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, सॉलिड्स होते हैं दो टाइप के, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। एज यू ऑल नो कि एनाइसोट्रॉपी जो प्रॉपर्टी है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की है। ओके, अब सबसे पहले बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो पार्टिकल अरेंजमेंट होती है बहुत ही ज़्यादा रेगुलर और ऑर्डर्ड होती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्क्वायर, एक सर्कल, एक स्क्वायर, एक डॉट, एक स्क्वायर, एक डॉट, ऐसे बनाया है छोटा छोटा। तो मतलब ये क्या, अरेंजमेंट जो है काफी रेपिटेटिवली बहुत ही ज्यादा यूनिफॉर्म है। ओके, ये रेपिटेटिव अरेंजमेंट जो है वो पूरा एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाती है। ओके, अब अनआइसोट्रोपी मतलब क्या? अनआइसो मींस समथिंग व्हिच इज अनइक्वल। ओके, अन मीन्स क्या, अनआइसो मीन्स क्या, समथिंग विच इज़ अनइक्वल। अब अनआइसोट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड तो बोल दिया। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट है ओवर अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब अनआइसोट्रोपी होता क्या है? सी, अनआइसोट्रोपी को अगर मैं डिफाइन करूँ, अनआइसोट्रोपी इज पजेसिंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज वेन मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अलग अलग प्रॉपर्टी की डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में अलग होना, ठीक है, अलग बोलने का मतलब है अलग अलग प्रॉपर्टी का वैल्यू जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में डिफरेंट होगा। तो ऐसा क्यों होगा? सी, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट जैसे आप देख सकते हैं, मान लो किसी पार्टिकल का वैल्यू जो है प्रॉपर्टी का, मैं इस अरेंजमेंट के अक्रॉस मेजर कर रही हूँ, ये मान लो फर्स्ट अरेंजमेंट। फिर मान लो किसी पार्टिकल अरेंजमेंट की इस अक्रॉस जो है मैं प्रॉपर्टी मेजर कर रही हूँ एक्सेट्रा। तो बोलने का मतलब ये है, जैसे हम फर्स्ट अरेंजमेंट के अक्रॉस जा रहे हैं तो क्या है, डॉट है, स्क्वायर है, डॉट है, स्क्वायर है। सेकेंड अरेंजमेंट के अक्रॉस जो है सारे के सारे डॉट्स है। बोलने का मतलब ये है, क्योंकि कंपोजिशन जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का चेंज होता है, इसीलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू जब हम डिटरमाइन करेंगे इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या होगी, डिफरेंट होगी। एंड यही जो प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, उसको हम अनआइसोट्रोपी बोलते हैं। अब अनआइसोट्रोपी में कौन सी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू आगे, जैसे कंडक्टेंस हो गया, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो गया, ये सारी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी अलग अलग डायरेक्शन में, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का कंपोजिशन जो है वो रिलेटिवली क्या होता है, चेंज होता है विद इन द एंटायर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर इसी से कोरिलेटेड आइसोट्रोपी पढ़ना है तो आइसोट्रोपी भी पढ़ सकते हो। जैसे अनआइसोट्रोपी इज डिफरेंट वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी है। आइसोट्रोपी क्या रहेगा, इसका उल्टा, सेम वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल द डायरेक्शन, जो कि ऑब्वियसली प्रॉपर्टी किसकी रहेगी, अमॉर्फस सॉलिड्स की, क्योंकि उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा रैंडम होती है, कंप्लीटली अपोजिट टू दैट ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, सो एक पॉइंट से रिलेटेड आप दो पॉइंट्स पढ़ सकते हैं उनको कंपेयर करके। होप सो यू गेट इट वेरी नाइसली। थैंक यू। पुरोहित एकेडमी, मेन ब्रांच, प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटल च्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ बंधन बँकेशेजारी ट्रॅफिक गार्डन च्या समोर, जळगाव।